आइडिया मिल गया कृष्णा। बताइए तो। पूरी शादी में तुम अपना मुंह छुपा कर रखना। दुल्हन को बुला लीजिए, मुहूर्त बीत रहा है। जी पंडित जी, मैं लेकर आती हूँ। हेलो जी, आप प्लीज जरा जल्दी आइए। अजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अब दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अब वर वधू फेरे लें। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वांध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भैया मैं कृष्णा आंटी को मम्मा नहीं बुलाऊंगी। रुद्राक्षी, तुमने तो कहा था कि कृष्णा जी को कभी तुम मम्मी नहीं कहोगी, फिर अचानक क्या हो गया? हाँ भैया, मैंने कहा था उस दिन के बाद, लेकिन मैंने बहुत सोचा कि आप मेरे पापा तो मुझे आपकी वाइफ को तो मम्मा कहना ही पड़ेगा ना। इंस्पेक्टर साहब अभी तक आए क्यों नहीं? अरे हम संतोषी को क्या जवाब देंगे, वो तो बेचारी। फेरों की रस्म संपन्न हो गई, अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरेगा ताकि ये रस्म भी पूरी हो जाए। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। एक मिनट धैर्य। मैंने कृष्णा को घूंघट रखने कहा है ताकि कैमरा में उसका चेहरा ना दिखे, इसलिए बिना घूंघट उठाए तुम्हें रस्म पूरी करनी होगी। विवाह की विधि संपन्न हो गई, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। इंस्पेक्टर साहब आइए आइए, देखिए क्या हो रहा है। आइए देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये धैर्य दूसरी शादी कर रहा है, इसे गिरफ्तार कीजिए। और साथ में कृष्णा को भी। कॉन्स्टेबल्स, अरेस्ट देम। एक मिनट, पापा आप ये क्या कह रहे? कुछ भी आप, मैंने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ शादी कहाँ? हम तो एक एक पूजा करवा रहे हैं। मैडम, ये मंडप, ये पंडित और ये सारा तामझाम, आपने हमको क्या बेवकूफ समझ रखा है? और सबसे बड़ी बात, दुल्हन ऐसे घूंघट में क्यों है? देखिए मैडम, एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है, इसलिए आप पीछे मत बोलिए। हमने तुमसे पहले ही कहा था धैर्य, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी, अब भुगतो तुम दोनों। कॉन्स्टेबल, गिरफ्तार करो दोनों को। आप मेरे पापा को ऐसे नहीं लेके जा सकते, उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि अपनी बीबी से ही शादी की है।
क्या मतलब बेटा? अभी बता दियो। नहीं नहीं, ये सब हमसे नहीं होगा। दीदी, आप धैर्य भैया से प्यार करते हो ना? करते हैं। आप मेरी मम्मा बनना चाहते हो ना? बनना चाहते हैं ना। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। पर रुद्राक्षी, इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? आपकी रुद्राक्षी ने ना पहले से ही इंतजाम कर लिए। वैसे आपको दुल्हन बन के मंडप में आना और घूंघट से मुँह छुपाना मत भूलना। लेकिन कामिनी या त्रिशा ने हमें पकड़ लिया तो? आप टेंशन मत लो, कृष्णा आंटी को तो बेहोशी वाली दवाई दे देंगे और कामिनी आंटी का तो बस घूंघट वाला प्लान है। ये सब आपने सोचा? हाँ, दादू ने कैमरा लगाकर। पूरी शादी में तुम अपना मुंह छुपा कर रखना घूंघट में। आपने इतना कुछ सोचा है हमारे लिए, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? अपने सुहाग को बचाने के लिए हम आपकी सारी बातें मानेंगे, और फिर हमें आपकी मम्मा भी तो बनना है। आज रुद्राक्षी के कारण हमारे सिंदूर की मर्यादा खंडित होने से बच गई। माते, आज रुद्राक्षी के कारण संतोषी के विश्वास की विजय प्राप्त हुई। किंतु केवल रुद्राक्षी के कारण ये विश्वास नहीं जीता, अपितु संतोषी का भी इसमें हाथ है। इस बालिका ने हमें जीत के निकट पहुंचने के पश्चात भी पराजित किया है, इसका परिणाम इसे भुगतना ही होगा। मिश्रा जी, बहुत अच्छा मजाक था ये। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तलाक लेने वाला जोड़ा आज शादी के बंधन में बन गया। समाज में इससे अच्छी सीख क्या हो सकती है? वेल, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। चलो। ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यहाँ पे कृष्णा जी की जगह में बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? सर, हाथ छोड़िए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा संतोष। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ, बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। मत छोड़ो इसे धैर्य, इसकी वजह से तुम्हारी और कृष्णा की शादी नहीं हो पाई। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। आप बीच में नहीं बोलिएगा। क्यों किया? बोलो। भैया छोड़ो दे। और तुम चुप ही रहो। बोलो क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ये सारा प्लान तुमने बनाया ना,
और कौन शामिल है? पापा भी है और कृष्णा जी गए। मुझे तृष्णा को ढूंढना होगा। अगर मंडप में तृष्णा जी होती तो आप जेल के अंदर होते। हम आपकी पत्नी हैं और हमारे जीते जी आपको हम गलत नहीं करने देंगे। हम बीवी होने का फर्ज हमेशा निभाएंगे। दूसरी शादी करके हम आपको गलती नहीं करने दे सकते। हमने जो किया आपने सुहाग को बचाने के लिए किया, आपके लिए किया। बकवास बंद करो। कृष्णा जी का हैरिया, कृष्णा कमरे में नहीं है। कहाँ है कृष्णा जी? बोलो कहाँ छुपा रखा उनको? अरे क्या कर रहे हो तुम? देखो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, बोलो। भैया इन्हें कुछ मत कहिए, मैं बताती हूँ कृष्णा आंटी का है। और तुम्हें कैसे पता? डेरिया सवाल जवाब बाद में करेंगे, पहले तृष्णा के बारे में पता करते हैं। चलो हमारे साथ, बताओ तृष्णा कहाँ है? ये मत सोचना कि तुमने मुझे आज बचा करना उस पर कोई एहसान किया। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ और इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। इसलिए अच्छा होगा तुम्हारे लिए इससे पहले मैं वापस आऊं यहाँ पे। चलीजा अपनी ये शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम ये खड़ी क्यों हो? बताओ कहाँ है कृष्णा? बेटी चिंता मत करो, जब तक हम यहाँ हैं तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बताओ कहाँ है तृष्णा, जल्दी बताओ। तृष्णा 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 आंखें खोलो। तृष्णा कृष्णा जी आंखें खोलिए प्लीज। तृष्णा उठो बेटा, आंखें खोलो। देखो ना धैर्य, क्या हो गया मेरे बच्ची को और ये सब इस संतोषी और इस लड़की की वजह से हुआ है। मम्मी जी प्लीज, आप रुद्राक्षी और संतोषी संवाद में निपटेंगे, पहले आप मुझे डॉक्टर का नंबर दीजिए। हाँ धैर्य। जल्दी प्लीज। नहीं देख रही हूँ। इस कागज पे ऐसा क्या है जो कामनी आंटी इसे देखकर घबरा गई? अगर धैर्य ने इस बोर्डिंग पास को देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं पंजाब गई थी। लगता है कार्ड तृष्णा के रूम में है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बोर्डिंग पास के साथ कार्ड भी गिर गया हो? देख कर आती हूँ। ईशा जी प्लीज। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? शायद हवा के कारण उड़ गया होगा। हो सकता है कार्ड मेरे दूसरे बैग में होगा। कार्ड नहीं मिला धैर्य, मैं दोबारा देख के आती हूँ। मॉम जल्दी। ये लो धैर्य कार्ड, जल्दी से फोन लगाओ। करना क्या इसका? दीदी वो कृष्णा आंटी के रूम में ये कामी आंटी की टिकट्स गिर गई थी। डॉक्टर जी सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बताया, आप प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए। क्या क्या बोला डॉक्टर साहब ने? मॉम प्लीज टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है जो सिम्टम्स है वो आई मीन इट्स नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट, और वो वैसे भी बस आने ही वाले थोड़ी देर में, तो रिलैक्स, कुछ नहीं होगा कृष्ण जी को। देखो धैर्य, ये सब संतोष और रुद्राक्ष के कारण हुआ है। संतोषी को तुमने सबक सिखा दिया, अब उस रुद्राक्ष की बारी है। रुद्राक्षी, रुद्राक्षी सर, वो तो संतोषी मैडम के कमरे में है। अंग्रेजी में लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन यहाँ देखो ना हवाई जहाज का फोटो है, वो ना हो ये हवाई जहाज की टिकट है। रुद्राक्षी ये क्या है? वो इसी जगह का टिकट लगता है शायद। हाँ तो मुझे क्यों दिखा रही है? भैया ये कापनी आंटी के पर्स पे से गिर गया था और वो इसे ही लेकर बहुत परेशान थी। ये तो कामनी जी की फ्लाइट टिकट है पंजाब की, उन्होंने कहा था कि वो पंजाब में नहीं थी। उन्होंने ही मुझ पे गुलाल फेंका हो, क्योंकि वहां तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। जो मुझे छत से धक्का दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब रुद्राक्षी तुम सही कह रही थी, हम जब वहां पंजाब में थे तो कामिनी आंटी वहीं पे थी और उन्होंने झूठ। माते, रुद्राक्षी की बुद्धिमानी से संतोषी के पति के हाथ अंततः साक्ष्य लग ही गए। इस बालिका ने तो हमारी भक्त का संपूर्ण भेद खोल दिया है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई रुद्राक्षी, सॉरी मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। भैया सिर्फ कामनी आंटी ने ही मुझे मारने का प्लान नहीं बनाया था, उसपे कृष्णा आंटी ने भी उनकी हेल्प की थी। क्या भैया आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं, चलो मेरे साथ।
हेमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके आशीर्वाद से धैर्य सर को पहली बार किसी की बात पर भरोसा हुआ है।